हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। इसमें हमने हल्की हल्की सी लेस का भी यूज़ किया है और हमने यहाँ पे वाइट कलर के रिबन का यूज़ किया है। देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। ये ड्रेस हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप सेम मेजरमेंट से ड्रेस बनाएंगे, ड्रेस आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। देखिए, ड्रेस के पीछे हमने किसी भी टाइप के बुकरम का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे लाइनिंग का यूज़ किया है। और देखिए हमारी ड्रेस का लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanhajiwithkhwahish12। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। देखिए ये फैब्रिक हमने कॉटन सिल्क लिया है। ये हमने इनर के लिए फैब्रिक लिया है। देखिए मैं आपकी इसको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 45 इंचेज रखी है। दोनों की लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। अब हमें देखिए जो इनर है इसे हमें सीधा रखना है। जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसे हमें यहाँ पे ऐसे उल्टा करते हुए रखना है। ऐसे रखते हुए हमें यहाँ पे ऐसे पूरे में 3 साइड पे सिलाई दे देनी है। हमने इसमें यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे फोल्ड देना है। देखिए हमने इसे सीधा करके ले लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक एक सिलाई दे सकते हैं या फिर प्रेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करके लूँगी। अच्छे प्रेस लगा के ले लिया है। अब हम ऐसे पोम पोम लेस लेंगे वाइट कलर की और देखिए इसे यहाँ पे ऐसे नीचे रखते हुए हमें सिलाई की हेल्प से लगा लेना है। हमने यहाँ पे लेस को लगा के ले लिया है। अब हम देखिए इसकी साइड्स को लॉक करेंगे। साइड्स को लॉक करने के लिए हमने ये वाइट कलर का रिबन लिया है। इसे हमें यहाँ पे ऐसे रखते हुए इसकी दोनों साइड्स को लॉक कर लेना है। यहाँ से हमें इतनी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है रिबन की। इसे हमें फोल्ड देते हुए देखिए यहाँ पर हमें ऐसे इसे फोल्ड देना है। फिर हमें इसे यहाँ से पीछे से ऐसे लॉक करना है। तो चलिए ऐसे लॉक कर लेते हैं।